हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, इंग्लिश सीखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रही है तुम किसके साथ हो, हु आर यू विद, हु आर यू विद, तुम किसके साथ हो। काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है ये। अपने फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही है और उससे पूछ रही है तुम किसके साथ हो, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे हु आर यू विद, हु आर यू विद, तुम किसके साथ हो। ये जवाब में बोल रही है आई एम विद सम फ्रेंड्स, दे आर हेल्पिंग मी आउट, मैं कुछ दोस्तों के साथ हूँ, वे मेरी मदद कर रहे हैं। आई एम विद सम फ्रेंड्स, दे आर हेल्पिंग मी आउट, मैं कुछ दोस्तों के साथ हूँ, वे मेरी मदद कर रहे हैं। आई एम विद सम फ्रेंड्स, दे आर हेल्पिंग मी आउट, वे यहाँ किस लिए आए थे, तो पूछ रही है वे यहाँ किस लिए आए थे। What did they come here for? What did they come here for? वे यहाँ किस लिए आए थे? What did they come here for? वे यहाँ किस लिए आए थे? ये कह रही पता नहीं वे किस चीज़ के पीछे हैं। I don't know what they are after. What they were after? पता नहीं वे किस चीज़ के पीछे हैं। तो यहाँ फ्रेंड पीछे होने का मतलब है पता नहीं वे क्या चाहते थे। ये कहना चाह रही है कि पता नहीं वे किस चीज़ के पीछे थे। I don't know what they were after. I don't know what they were after. यहाँ पे कह रही है something has come up, so I'll be late. So इसने इससे वादा कर रखा था मिलने का, अब कह रही है something has come up, so I'll be late. यहाँ पे सो फ्रेंड हम जो यूज़ करते हैं ना समथिंग हैज़ कम अप, तो सिर्फ ध्यान से समझना कि जब भी हम किससे कोई वादा करते हैं कहीं पहुँचने का कि हम वहाँ तक आ जाएंगे, लेकिन हम जा नहीं पाते, सो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, हमें पता है हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, तो हम फ़ोन करके कह देते हैं कि समथिंग हैज़ कम अप। तो मतलब इसका कहने का कि कुछ हो गया है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एकदम से आ गया है ऐसी प्रॉब्लम सी, तो मैं वहाँ नहीं आ पाऊँगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि समथिंग हैज़ कम अप, सो आई विल बी लेट, यानी कुछ हो गया इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं लेट हो जाऊंगी। समथिंग हैज़ कम अप, सो आई विल बी लेट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रही है मेरे वहाँ आने तक कुछ मत करना, डोंट डू एनीथिंग अंटिल आई गेट देयर, डोंट डू एनीथिंग अंटिल आई गेट देयर, मेरे वहाँ आने तक कुछ मत करना, डोंट डू एनीथिंग अंटिल आई गेट देयर। ये कह रही है गेट हेयर एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे गेट हेयर एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ, गेट हेयर एज सून एज पॉसिबल। ये कह रहा है देखो मेरे पास इस सब के लिए समय नहीं है, लुक आई हैवंट गॉट टाइम फॉर ऑल दिस, लुक आई हैवंट गॉट टाइम फॉर ऑल दिस, देखो मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है, लुक आई हैवंट गॉट टाइम फॉर ऑल दिस, पीछे मुड़ो अपने हाथ सर पर रखो। तो पुलिस वाले से कह रहा है टर्न बैक पुट योर हैंड्स ऑन योर हेड, ये कह रहा है टर्न बैक पुट योर हैंड्स ऑन योर बैक, पीछे मुड़ो अपने हाथ सर पर रखो, टर्न बैक एंड पुट योर हैंड्स ऑन योर हेड, मुझे लगता है तुम बड़ी गलती कर रहे हो दोस्त, आई थिंक यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक पहल। तो कह रहा है कि तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दोस्त, आई थिंक यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक पहल, तुम सही समय पर आए। तो यहाँ किसी ने आगे से बचा लिया, उसे पुलिस वाले को मार दिया, तो यहाँ पे कह रहा है यू हैव कम एट द राइट टाइम, यू हैव कम एट द राइट टाइम, तुम सही समय पर आए, यू हैव कम एट द राइट टाइम, यू हैव कम एट द राइट टाइम, तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी अगर तुम मुसीबत में थे। तो इससे कह रहा है यू शुड हैव कॉल्ड मी इफ़ यू आर इन ट्रबल, यू शुड हैव कॉल्ड मी इफ़ यू आर इन ट्रबल, तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी अगर तुम मुसीबत में थे, यू शुड हैव कॉल्ड मी इफ़ यू आर इन ट्रबल। ये कह रहा है मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, यानी थोड़ा बिजी हूँ, आई एम अ लिटिल बिजी राइट नाउ, आई एम अ लिटिल बिजी राइट नाउ, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ दोस्त, आई एम अ लिटिल बिजी राइट नाउ। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रहा है तुम मुझसे क्या चाहिए, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, शायद मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ, मे बी आई कुड वर्क विद यू, मे बी आई कुड वर्क विद यू, शायद मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ, मे बी आई कुड वर्क विद यू। देखो यहाँ किसी से बात कर रहा है, फोन पे कह रहा है लुक देखो इट विल बी डन इन अ फ्यू मिनट्स, ये कुछ ही मिनट में हो जाएगा, यानी कोई काम दिया था इसे तो इसने अभी तक नहीं किया, तो वो फोन पर इससे कह रहा है कि वो अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो कह रहा है लुक देखो इट विल बी डन इन अ फ्यू मिनट्स, ये कुछ ही मिनट में हो जाएगा, इट विल बी डन इन अ फ्यू मिनट्स, मुझ पर भरोसा रखो, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा रखो। ये कह रहा है आगे बोल रहा है इट विल बी डन, लीव दैट टू मी, कह रहा है मुझ पर छोड़ दो ये हो जाएगा, ये मुझ पर छोड़ दो हो जाएगा, इट विल बी डन लीव दैट टू मी, इट विल बी डन लीव दैट टू मी, आई अश्योर यू, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, यानी भरोसा दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, आई अश्योर यू एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है, यानी हर चीज़ कंट्रोल में है, आई अश्योर यू, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये लड़की कह रही है इससे, जो इसकी बॉस है, कह रही है मैं कुछ नहीं जानती, जो मैं कहना चाहती हूँ यो है ये है, यहाँ पर बोल रही है आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानती, आई नो नथिंग, वट आई वॉन्ट टू से इज़, जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है, जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है, वट आई वॉन्ट टू से इज़, आई नो नथिंग, वट आई वॉन्ट टू से इज़,
यू शुड कम एंड सी मी, तुम्हें यहाँ आकर मुझसे मिलना चाहिए, कह रही है तुम्हें यहाँ आकर मुझसे मिलना चाहिए, यू शुड कम एंड सी मी। सो फ्रेंड यहाँ पर सी मी का मतलब है मिलने से, जैसे कि आपने देखा होगा जब भी हम किससे बातचीत करते हैं और फिर जाते टाइम हम कहते हैं ना सी यू लेटर, तो सी यू लेटर मतलब तुमसे बाद में मिलते हैं, तो यहाँ पर भी सी का मतलब मिलने से ही है। तो इस सिचुएशन में आप इसकी हिंदी पे मत जाओ, तो देखो इस सिचुएशन हम ऐसे सेंटेंस कब यूज़ करते हैं, तो कह रही है कि तुम्हें मुझसे आकर यहाँ मिलना चाहिए, तो इस सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं यू शुड कम एंड सी मी, यू शुड कम एंड सी मी। ये कह रहा है नॉट येट, अभी नहीं, Not yet, अभी नहीं, not yet, because I have lots of work to do, क्योंकि मेरे पास अभी करने को बहुत काम है, because I have lots of work, I have lots of work to do, क्योंकि मेरे पास करने को बहुत काम है, I'll come and see you then, मैं तुमसे मिलने फिर आऊँगा, यानी जब काम वाम खत्म हो जाएगा फिर मिलने आऊँगा, I'll come and see you then, मैं तुमसे मिलने तब आऊँगा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड यहाँ पर ही कह रहा है समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग यानी कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। कैन आई यूज़ योर फोन फॉर अ वाइल, तो फॉर अ वाइल यानी थोड़ी देर के लिए, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा फोन का इस्तेमाल कर सकती हूँ, कैन आई यूज़ योर फोन फॉर अ वाइल, कैन आई यूज़ योर फोन फॉर अ वाइल। यहाँ पे कह रहा है तुम दोनों पूरे दिन कहाँ थे, वेयर वर यू टू ऑल डे, वेयर वर यू टू ऑल डे, तुम दोनों पूरे दिन कहाँ थे, वेयर वर यू टू ऑल डे। आगे बोल रहा है मैं तुम दोनों को हर जगह ढूंढ रहा हूँ, मैं तुम दोनों को हर जगह ढूंढ रहा हूँ, इस इंग्लिश बोलेंगे आई हैव बिन लुकिंग ऑल ओवर, आई हैव बिन लुकिंग ऑल ओवर फॉर यू टू, आई हैव बिन लुकिंग ऑल ओवर फॉर यू टू, मैं तुम दोनों को हर जगह ढूंढ रहा हूँ, वेयर वर यू टू ऑल डे, तुम दोनों पूरे दिन कहाँ थे। यहाँ पे कह रही है थैंक यू फॉर सेविंग माई, यू कह रही है थैंक यू फॉर सेविंग मी, मेरी जान बचाने के लिए यानी मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर सेविंग मी, कैन आई ट्रस्ट यू गाइज, क्या मैं तुम लोगों पर भरोसा कर सकती हूँ, कैन आई ट्रस्ट यू गाइज, क्या मैं तुम लोगों पर भरोसा कर सकती हूँ, तो कुछ अजनबियों ने इसे बचाया है तो इसलिए पूछ रही है उनसे कैन आई ट्रस्ट यू गाइज, क्या मैं तुम लोगों पर भरोसा कर सकती हूँ। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी हो सो फ्रेंड हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।